हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ राहुल कुमार सेन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक, नेम इज क्लासिफिकेशंस ऑफ गियर ड्राइव। सो स्टूडेंट्स, जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशंस ऑफ गियर ड्राइव। सो अगर हम गियर ड्राइव को क्लासिफाई करें तो फोर टाइप से गियर ड्राइव को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ शाफ्ट एक्सिस। ठीक है, अगर हम गियर को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ शाफ्ट एक्सिस, वो है आपका फर्स्ट पैरेलल शाफ्ट, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एंड नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल शाफ्ट। ठीक है, अब सेकंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू पेरिफेरल वेलोसिटी। सो उसमें हम थ्री टाइप्स इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लो वेलोसिटी टाइप, इसकी रेंज है 1 to 3 meter per second। मीडियम वेलोसिटी टाइप्स, इसकी रेंज है 3 to 5 meter per second। एंड हाई वेलोसिटी टाइप ड्राइव, इसकी रेंज है मोर देन 15 meter per second। ठीक है, मतलब जो उसकी वेलोसिटी होती है अगर 1 to 3 meter per second हो तो उस टाइम हम लो वेलोसिटी गियर टाइप का यूज करते हैं। 3 to 5 है तो मीडियम वेलोसिटी टाइप्स का गियर ड्राइव यूज करते हैं, और 15 meter per second से ज्यादा दैट मीन्स हमें हाई वेलोसिटी टाइप का गियर ड्राइव यूज करना होगा। अगर हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गियर, सो टाइप्स ऑफ गियर की बात करें अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गियर, तो एक्सटर्नल गियर मेस एक्सटर्नली, इंटरनल गियर मेस इंटरनली एंड रैक एंड पिनियन रोटेट टू लीनियर मोशन। एक्सटर्नली गियर मेस का मींस होता है कि एक गियर के ऊपर दूसरा गियर, यहाँ पे उसके टीथ क्या करते हैं, मेस करते हैं, मींस जो गियर है दूसरे गियर के ऊपर रोल करके मोशन करता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल गियर मेस। और इंटरनल गियर मेस मींस एक गियर है के अंदर दूसरा छोटा सा गियर है और वो उस गियर के अराउंड रिवॉल्व करता है इंटरनली मोशन करके, तो उसको बोलते हैं हम इंटरनली गियर मेश। ठीक है, और थर्ड है रेक एंड पिनियन। तो रेक एंड पिनियन में क्या होता है, आपका जो गियर होता है, एक गियर होता है रोटरी होता है जिसको हम बोल सकते हो आप पिनियन, और एक गियर होता है आपका स्ट्रेट मोशन में जिसको बोलते हैं आप रेक। तो जब रोटरी मोशन में गियर मींस गियर रोटेट करता है तो उसके जो टीथ होते हैं वो रेक के टीथ के साथ प्रॉपर मेस करते हैं, तो उस कंडीशन में जो रोटरी मोशन होता है वो लीनियर मोशन में कन्वर्ट होता है। तो इसको भी हम समझ सकते हैं रेक एंड पिनियन। और नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू टीथ पोजिशन। अगर हम टीथ पोजिशन की बात करें तो गियर को जब भी क्लासीफाई करते हैं तो उसमें टीथ का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो हमें हर गियर पर ये तीन कंडीशन तो मिलेगी, या तो जो टीथ होता है वो स्ट्रेट गियर टीथ हो सकता है या इंक्लाइन होगा, या फिर उसका शेप क्या होगा, कर्व टाइप शेप होगा। ठीक है, सो स्ट्रेट गियर टीथ, इंक्लाइन गियर टीथ और कर्व गियर टीथ। सो अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है हमने इसको फोर टाइप से डिस्क्राइब किया है, बट हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमें इसी को देखना है अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ शाफ्ट एक्सिस। मीन्स जो भी गियर है ऑब्वियस सी बात है कि हर एक गियर शाफ्ट पर क्या होते हैं, माउंटेड होते हैं, तो उस दौरान हमें इन तीन चीजों को फोकस करना है, पैरेलल शाफ्ट, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट और नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल शाफ्ट। मींस आपके पास जब कोई भी दो शाफ्ट होती है अगर वो पैरेलल हो, ठीक है, और मतलब जो भी शाफ्ट है उस पर अगर गियर माउंटेड हो और उनका जो एक्सिस हो वो क्या हो, शाफ्ट का पैरेलल हो, तो उसको बोलते हैं पैरेलल शाफ्ट। और इंटरसेक्टिंग का मतलब अगर दोनों का जो दो भी गियर है आपके उनका जो दोनों का एक्सिस है पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर मिलता हो तो उसको बोलोगे आप इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। जैसे कि बीवेल गियर जो होता है, मोस्ट ऑफ द गियर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को कंसीडर करते हैं। और उसके बाद में कुछ गियर ऐसे भी होते हैं ना कि वो उसकी जो शाफ्ट होती है ना वो पैरेलल होती है ना वो गियर के जो एक्सिस पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल शाफ्ट। तो वन बाय वन हम इन तीनों कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, पैरेलल शाफ्ट, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एंड देन नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल शाफ्ट। तो हम देखते हैं, सो स्टार्टिंग हम करते हैं पहले, देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि गियर उसके टाइप्स में पैरेलल शाफ्ट, तो पैरेलल शाफ्ट में आपके दो गियर हो सकते हैं, स्पर गियर हो सकता है और हेलिकल गियर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम अभी पढ़ने जाएंगे इसको, तो स्पर गियर और हेलिकल गियर, हेलिकल गियर के भी दो टाइप होते हैं, सिंगल हेलिकल गियर और दूसरा होता है आपका डबल हेलिकल गियर। उसके बाद अगर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट की बात करें तो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में
आपके पास जो गियर होते हैं वो होता है आपका बीवल गियर, फिर होता है आपका स्पाइरल बीवल गियर, मीटर गियर और एंगुलर गियर, ठीक है। और नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल आपकी बात करें तो क्रॉस हेलिकल गियर, हाइपोइड गियर एंड वॉर्म गियर, ठीक है। सो हमको वन बाय वन हर एक क्लासिफिकेशन का स्टडी करना है, तो उस क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट पैरेलल किसका करना है, पैरेलल शाफ्ट। सो अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ शाफ्ट, पैरेलल शाफ्ट, तो आपके पास जैसे कि ये एक डायग्राम है, इसमें आपको गियर दे रखा है। तो इस गियर में आप देख रहे हैं कि आपके पास दो गियर है, एक छोटा गियर जिसको हम बोल सकते हैं पिनियन, एक लार्जर गियर है जिसको बोल सकते हैं हम व्हील। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो शाफ्ट है, एक शाफ्ट मतलब फर्स्ट वाली शाफ्ट और एक सेकंड शाफ्ट, तो दोनों का क्या है, एक्सिस क्या है, पैरेलल में। मींस कि इस शाफ्ट पर माउंटेड जो भी गियर है उनके जो टीथ है वो शाफ्ट के एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो इस गियर को हम बोलते हैं स्पर गियर। अब चूंकि ये स्पर गियर आपका जनरली कहाँ यूज होता है, आप छोड़ कम जहाँ पर कम मोशन में पावर को, मतलब जब बोलते हैं ना कम जहाँ पर हमको लो वेलोसिटी में पावर को ट्रांसमिट करना होता है या लो स्पीड में हमको चाहिए होता है कोई भी पावर का ट्रांसमिशन, तो वहाँ पर हम स्पर गियर का जनरली यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी कम होती है, लो कॉस्ट एंड सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, इजी मैन्युफैक्चरिंग, और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी बहुत सिंपल होता है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है काफ़ी ईजी होती है, ठीक है। सो स्पर गियर आर यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट, दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में पावर को ट्रांसमिट करने वाले गियर को बोलते हैं हम स्पर गियर। द टीथ ऑन दिस गियर आर कट स्ट्रेट, और जो इसके टीथ होते हैं जो कि माउंटेड होते हैं शाफ्ट पर वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है, और पैरेलल टू द शाफ्ट टू विच दे आर अटैच्ड, जो कि यहाँ पे अटैच्ड है। अब इसका भी कोई डिसएडवांटेज हो सकता है, तो हमको हाई स्पीड चाहिए होती है तो वहां पर हम इस गियर को यूज नहीं कर सकते हैं, और इसमें अगर इम्पैक्ट स्ट्रेस ज्यादा होने के कारण, क्योंकि इसका गियर में जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, तो स्ट्रेट टू स्ट्रेट जब इनका इम्पैक्ट होता है तो इसके कारण इसकी जो मतलब नॉइज है वो भी काफी ज्यादा होती है। तो इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि जब ये गियर आपस में मैसिंग करते हैं तो इसमें ज्यादा नॉइज क्रिएट होता है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं हेलिकल गियर। तो हेलिकल गियर क्या है, हेलिकल गियर का जैसे डायग्राम में आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखिए, अब ये भी एक तरह से पैरेलल शाफ्ट में ही होता है, लेकिन इसमें एक जैसे कि आपने स्पर गियर में आपने देखा था कि जो टीथ होते थे वो क्या होते थे, आपके टीथ वो पैरेलल होते थे शाफ्ट के। अब इसमें भी जो टीथ है, अब ये जो शाफ्ट है वो भी पैरेलल है, बट इसमें जो टीथ है वो क्या है, स्ट्रेट ना होते हुए किसी पर्टिकुलर एंगल से क्या है, इंक्लाइंड है, जिसको हम बोल सकते हैं हेलिक्स एंगल। और इसकी खास बात ये होती है कि इस गियर में जो भी एंगल है, जैसे कि मान लो आप एंगल यहाँ पे देख रहे हो अपर साइड में जो एंगल देख रहे हो, तो लोअर साइड में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा और उसमें भी एक हेलिक एंगल होगा, तो इस गियर को बोलते हो आप हेलिकल एंगल, हेलिकल गियर, ठीक है। अब हेलिकल गियर क्या होता है, एक तरह से हेलिकल गियर आर रिसेम्बल स्पर गियर, जब आप स्पर गियर को मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जो हेलिकल मीन्स स्पर गियर में क्या देखते हैं कि जो आपका जो टूथ था वो क्या था, स्ट्रेट था, बट द टूथ आर कट ऑन एन एंगुलर रेदर देन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द लाइन, टूथ इज ऑन रिफर टू अस हेलिकल एंगल, ठीक है। अब जो पैरेलल होने के मतलब एक्सिस के पैरेलल होने के बजाय ये एक्सिस से कुछ इंक्लाइंड होते हैं, तो इस गियर को बोलते हैं हम हेलिकल गियर, ठीक है। और टीथ कर्व शेप और टू मेटिंग गियर हैव सम हेलिकल एंगल हैव टीथ ऑन अपोजिट हैंड, मीन्स हर एक शाफ्ट पर जो हेलिकल एंगल होगा और दूसरे शाफ्ट का जो हेलिकल एंगल होगा वो इक्वल और अपोजिट, मीन्स अगर ये इस तरह से होगा इंक्लाइंड तो इसका जो इंक्लाइनेशन होगा इसके जस्ट अपोजिट होगा, तो इसको बोलोगे आप हेलिकल गियर अरेंजमेंट, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है कि जब हम बात करते हैं इसकी, जब हम बात करते हैं स्पर गियर, तो स्पर गियर में खाली आपका गियर टू गियर का पावर ट्रांसमिशन होगा, ठीक है, लेकिन इसमें थ्रस्ट फोर्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो इसके टीथ है वो कैसे हैं, स्ट्रेट है, तो इस पर शाफ्ट पर इसका ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, तो इसमें शाफ्ट का कोई फोर्स नहीं अप्लाई होगा, इस कारण इसमें एक्सटर्नल थ्रस्ट फोर्स अप्लाई नहीं होगा इसमें स्पर गियर में। बट क्योंकि हेलिकल गियर में क्या होता है कि यहाँ पर जो टीथ है वो कुछ इंक्लिनेशन से इंक्लाइन होते हैं, तो इस दौरान इसके कारण इसमें शाफ्ट पर क्या होता है, एक्सटर्नल थ्रस्ट अप्लाई हो सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि जैसे देख रहे हो आप हेलिकल एंगल, हेलिक्स एंगल कितना है 30 डिग्री, अगर ऊपर का हेलिक एंगल 30 डिग्री तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, बट कंडीशंस क्या होगी, ये अगर अपर साइड में होगा तो ये लोअर साइड में होगा, अब उस कंडीशन में इसमें क्या होगा, एक्सियल थ्रस्ट क्रिएट होगा,
ठीक है, तब एक्सियल थ्रस्ट होने के कारण कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो आपका हेलिकल एंगल सिंगल है और आप पावर ज्यादा ट्रांसमिशन करना चाहते हो, तो कभी कभी उसमें क्या हो सकता है कि एक्सियल थ्रस्ट के कारण शाफ्ट डैमेज हो सकती है, तो उस चीज को मॉडिफिकेशन करने के लिए हम डबल हेलिकल गियर का यूज करते हैं। डबल हेलिकल गियर में क्या होता है, जैसे कि आपका इसको एक अलग नाम भी दे सकते हैं, हेरिंग बोन बर गियर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डबल हेलिकल गियर जस्ट लाइक जो सिंगल हेलिकल गियर होता है उसी तरह होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि इसकी एक्सिस पर जो आपके गियर सिंगल होता है वहां पर एक गियर साइड में अटैच्ड हो जाता है इस तरह। तो आप देख सकते हैं कि आप देखिए, अब ये एक शाफ्ट है और ये दूसरी शाफ्ट है, अब हर एक शाफ्ट पर गियर माउंटेड है, तो हेलिकल गियर मीन सिंगल गियर में तो केवल सिंगल गियर माउंटेड होता है, लेकिन यहाँ पर आपके क्या है, हर एक शाफ्ट पर डबल गियर माउंटेड है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका जो एंगल है और इसका एंगल है दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, और उसी के साथ में इससे अटैचमेंट जो दूसरा मिसिंग गियर होगा जो दूसरे शाफ्ट पर रहेगा वो भी इसके क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर इंक्लिनेशन है और यहाँ पर इंक्लिनेशन है, यहाँ पर इंक्लिनेशन है और यहाँ पर इसके अपोजिट है, और सेम कंडीशन यहाँ पर जो इंक्लिनेशन है तो इसका इंक्लिनेशन इसके अपोजिट है, और जो इसका इंक्लिनेशन है उसके इंक्लिनेशन के ये अपोजिट है। तो मतलब जो आपस में गियर का जो मेसिंग होता है उनके जो टीथ होते हैं वो आपस में इंक्लाइन तो रहेंगे, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये होता है आपका डबल हेलिकल गियर। अब अगर हम बात करें, डबल हेलिकल गियर इज इक्विवेलेंट टू अ पेयर ऑफ हेलिकल गियर ओवर हैविंग अ राइट हैंड हेलिक्स एंड अदर है लेफ्ट हैंड हेलिक्स। तो एक लेफ्ट हैंड साइड में होगा और एक राइट हैंड साइड में होगा। अब कभी कभी क्या बात करते हैं कि इन दो गियर में मीन्स जो आपके पेयर है जो हेलिकल के उनके बीच में अगर मान लो कोई बोलते हैं ना कि हम ग्रू प्रोवाइड करें, तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम में आप समझ सकते हो कि इनके बीच में हमने क्या करा, थोड़ा सा गैप प्रोवाइड किया। तो इस गैप से क्या होता है कि जो इसकी जो स्मूथनेस है, जो मेसिंग करने की स्मूथनेस है, वो कंपेरेटिवली तो आप हेरिकन बोन गियर जो मैं जिसे यहाँ पे हमने दिखाया गया उसके कंपेयर में ये इसका स्मूथनेस और जो इसकी स्पीड होगी वो ज़्यादा बेटर होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि रेसिंग कार में जनरली हम जो हेलिकल गियर यूज करते हैं ना, तो हेलिकल डबल हेलिकल गियर यूज करते हैं और उसमें हम बीच में ग्रूव्स का भी यूज करते हैं, तो वहाँ पर हम उसका यूज करते हैं, ठीक है, डबल हेलिकल गियर। तो ये रेसिंग कार में ये यूज जनरली होता है। अब इसका एडवांटेज क्या है कि लेस नॉइज एंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस, क्योंकि अब ये अरेंजमेंट करने के बाद, क्योंकि अगर मैं सिंगल हेलिकल का यूज करूंगा तो थोड़ा सा नॉइज ज्यादा होगा, लेकिन अगर मैं इसके साथ में अगर डबल हेलिकल यूज करता हूँ तो उसके कंपेयर में इसका जो नॉइज है वो कंपेरेटिवली लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। उसके बाद जो तीसरा क्लासिफिकेशन है उसको हम यहाँ पे आप देखने जा रहे हैं, व्हेन बोथ एक्सिस आर नॉन पैरेलल बट इंटरसेक्टिंग, कि दोनों एक्सिस क्या है, ना तो पैरेलल है बट इंटरसेक्टिंग है, कि दोनों एक्सिस है, अगर दो शाफ्ट है अगर वो पैरेलल नहीं है बट उनका पर्टिकुलर उसके जो एक्सिस है उनका इंटरसेक्शन होता है, तो उस टाइप के गियर को बोलते हैं हम बेवल गियर, ठीक है। सो हम देखते हैं इसको, तो बेवल गियर की अगर बात करें तो इसका एग्जांपल क्या होता है, वो होता है आपका हैंड ड्रिल एंड ड्रिलिंग मशीन। तो हैंड ड्रिल और ड्रिलिंग मशीन जब भी आप देखते हो तो वहाँ पर जनरली जो गियर यूज होता है उसको बोलते हैं बेवल गियर। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जैसे कि दो गियर है, ठीक है, एक कोन शेप में है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये हो सकती है इसकी एक शाफ्ट है, ठीक है, गियर की, और ये उसकी एक शाफ्ट है, बट आप देखते हो कि ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, बट इन दोनों एक्सिस जो इसकी गियर की जो एक्सिस है वो कहीं ना कहीं इधर मिल रही है और इसकी एक्सिस भी कहीं ना कहीं इधर मिल रही है, मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रहा है, ठीक है। सो इन दिस एरिया इज नॉन पैरेलल बट इंटरसेक्टिंग, ठीक है, मतलब एक्सिस नॉन पैरेलल बट इंटरसेक्टिंग, एक्सिस क्या है पैरेलल नहीं है बट वो क्या है इंटरसेक्टिंग है। अब बेवल गियर के टाइप की बात करें तो एक है आपका स्ट्रेट बेवल गियर और दूसरा होता है आपका हेलिकल बेवल गियर। तो स्ट्रेट बेवल गियर तो जनरली आप हर जगह देखते हो, ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल गियर जो होता है, डिफरेंशियल व्हील में जो गियर होता है वहाँ पे जनरली यूज करते हो आप, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट बेवल गियर। आप जैसे कि ये फिगर में आप देख रहे हो कि आपके पास दो गियर है, ठीक है, एक गियर वन और दूसरा गियर टू। आप देख रहे हो कि ये जो शाफ्ट है ये वर्टिकली है और ये जो शाफ्ट है ये क्या है आपके हॉरिजॉन्टली है,
अब इनके जो दोनों का एक्सिस है, इसका एक्सिस पर्टिकुलर इस पॉइंट पर है और इसका एक्सिस भी इस पॉइंट पर है, तो दोनों का जो एक्सिस है एक पर्टिकुलर कैसे एक पॉइंट पर मीट करता है, इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सो द टीथ आर स्ट्रेट रेडियल टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द शार्प एक्सिस एंड वेरिंग इन क्रॉस सेक्शनल थ्रू आउट देयर लेंथ। और जो इसकी लेंथ है, मीन्स जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और उसकी लेंथ है, वो वेरी करते रहती है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये जो शाफ्ट है और ये जो शाफ्ट है, इन दोनों का जो एक्सिस है, इसका एक्सिस यहाँ पे और इसका एक्सिस भी यहाँ पे पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सो ये हो गया आपका स्ट्रेट पिवल गियर। अब जैसे कि इस गियर में क्या होता है कि जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर सपोज रोटेट करता है, कौन सा गियर, ये आपका फर्स्ट गियर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये रोटेट करेगा तो इसके साथ में इसका जो मेसिंग होगा वो दूसरे गियर के साथ होगा। तो ये इसके कारण, क्योंकि अगर मान लो मैं इसको ड्राइवर बोलता हूँ, ठीक है, तो ये अगर ड्राइव करता है, ठीक है, ये किसी इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो इसका मेसिंग दूसरे गियर से होता है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो दोनों गियर है एक दूसरे के राइट एंगल पर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट बेवल गियर। अब इसमें ये भी हो सकता है कि ये जो गियर है ये स्मॉल हो सकता है और ये जो गियर है वो लार्जर हो सकता है। बट अब एक केस हो सकता है कि गियर का अरेंजमेंट तो आपका राइट एंगल में हो, बट अगर दोनों का साइज सेम हो, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे मिट्रल ड्यूअल गियर। जैसे कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पे मिट्रल गियर, इसमें क्या होता है कि ये जो इनका जो डायमेंशन है, मतलब गियर जो आपका दोनों गियर है, दोनों का साइज क्या है, सेम है, और दोनों क्या है, राइट एंगल से सिचुएटेड है, ठीक है। तो राइट एंगल में दोनों है, ये गियर अगर सपोज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और दोनों का जो साइज है गियर वन और गियर टू, यहाँ पर दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा, तो इसको बोलते हैं मित्र गियर। तो गियर ऑफ द सेम साइज एंड कनेक्टिंग टू शाफ्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर आर नोन एज मित्र गियर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट गियर है स्पाइरल बीवल एंड हेलिकल बीवल गियर, स्पाइरल बीवल एंड हेलिकल बीवल गियर। अब जैसे कि आप इस डायग्राम से ही देख सकते हो कि आप यहाँ पर अगर इसकी बात करें 3D डायग्राम में, तो इस डायग्राम में क्या है, इसका एक फेस है, फर्स्ट फेस, तो फ्रंट फेस। अब इस फेस के साथ में जो नंबर ऑफ टीथ है, अब वो जो नंबर ऑफ टीथ है वो क्या है, एक कर्व शेप में क्या होते हैं, इंक्लाइन होते हैं, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ शेप जो है टीथ के, वो कर्व शेप में क्या है, इंक्लाइन होते हैं। और जब ये गियर रोटेट करता है और उसके मेसिंग में कोई दूसरा गियर होगा, वो भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेसिंग करेगा, दोनों के बीच में पावर का ट्रांसमिशन होगा। तो इस तरह के जो गियर होता है इसको बोलते हैं स्पाइरिकल बीवल। तो इसका जो शेप होता है वो भी स्पाइरिकल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। और इसको अगर हम और अच्छे से समझें, तो व्हेन द टीथ ऑफ ए बीवल गियर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ द फेस ऑफ द बीवल, दे आर नोन एज स्पाइरल बीवल और हेलिकल बीवल गियर, या तो इसका स्पाइरल बीवल और या हेलिकल बीवल गियर बोल सकते हो, ठीक है। और दिस आर यूज्ड टू ड्राइव डिफरेंशियल ऑफ एन ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल में जिसमें भी डिफरेंशियल होते हैं वहां पर जनरली इस तरह के गियर का यूज होता है। अब उसके बाद है शाफ्ट एक्सिस आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग गियर। अब जैसे कि अभी हमने अबाउ दो कंडीशन क्लासिफिकेशन में पढ़े थे कि पैरेलल, और एक में पैरेलल पड़ा था और दूसरे में पड़ा था कि नॉन पैरेलल एक्सिस बट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर केस क्या है, यहाँ पर केस ये है, ना ये पैरेलल है और ना ये इंटरसेक्टिंग गियर है, ठीक है। तो इस तरह के जो गियर है उसको बोलते हैं स्क्रू बीवल गियर, ठीक है, या इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं हाइपोइड बीवल गियर। अब इस तरह का जो गियर है इसमें एक क्या होता है, स्मॉल पिनियन टाइप का गियर होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये गियर दिख रहा है आपको, ठीक है, इसका जो फिगर है आपको दिख रहा है, ये स्पाइरिकल शेप में है। अब इसके इस डिस्टेंस पर एक छोटा सा गियर माउंटेड है इसके जस्ट ऊपर। आप देखो ये जो है ये गियर की क्या है, सेंटर पॉइंट है, और ये जो गियर है ये क्या हो सकता है, इसके सेंटर पॉइंट से ऊपर भी हो सकता है और ये नीचे भी हो सकता है। जैसे कि गियर का सेंटर पॉइंट ये है, तो गियर के सेंटर पॉइंट से इसका जो सेंटर पॉइंट है और इस गियर का जो एक्सिस है सेंटर पॉइंट है, वो दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये भी अलग है और ये भी अलग है, और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी क्या है, आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं मिलता है। इस डायग्राम से भी आप देख सकते हो, अगर आप इसको इमेजिनेशन करो तो ये एक गियर है छोटा, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला,
और ये जो बड़ा गियर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस शेप में, आप दोनों एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग करते हैं इंक्लाइन तरीके से। अगर ये इंक्लाइन तरीके से इसमें ओवरलैपिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब ये स्मॉल गियर, अगर ये गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो इसके मींस इसके टीथ और इस बड़े गियर के टीथ के कारण जो मेसिंग होता है उसके कारण ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो इस तरह इसमें मोशन का जो पावर का जो ट्रांसमिशन होगा वो मतलब एक छोटा सा गियर होगा जिसका आगे क्या होगा, एक्सिस क्या होगा, इंटरसेक्ट मतलब जो उसका जो पॉइंट होगा उसका एक्सिस का वो भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा और ना इसकी शाफ्ट है ना वो भी पैरेलल नहीं होगी। तो इस तरह का जो गियर है ना तो इसमें इसका एक्सिस पैरेलल है ना ही इसका जो पॉइंट है दोनों गियर का वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो इस तरह के गियर को बोलते हैं हाई पिच बेवल गियर। और ऑटोमोबाइल में जनरली ये गियर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है, जहाँ से हम पावर का ट्रांसमिशन कराते हैं, मतलब ये एक छोटे से स्पेस में अगर हम यहाँ पर पावर का ट्रांसमिशन करते हैं तो ये बड़े गियर को रोटेट करता है, ठीक है। तो हाई पॉइंट बेवल गियर आर सिमिलर टू स्पाइरल बेवल गियर बट द पिच सरफेस आर हाइपरबोलिक एंड नॉट कॉनिकल। तो इसमें जो इसकी जो पिच सरफेस होती है वो क्या होती है, हाइपरबोलिक होती है न कि कॉनिकल होती है। जैसे पहले के गियर में जो बेवल गियर में क्या होता है कि जो इसकी जो पिच सर्कल जो ये था ये क्या होती थी आपकी कॉनिकल टाइप में होती थी, पर इसकी जो शेप है वो कॉनिकल के ना होते हो क्या होगी, पैराबोलिक शेप में होगी, ठीक है। और मतलब पिनियन सरफेस कैन बी ऑफसेट अबव और बिलो द गियर। और जो ये जो गियर पिनियन है इसकी जो सरफेस है ये क्या होगी, ऑफसेट रहेगी। ऑफसेट मीन्स ये तो सेंटर से ऊपर रहेगी या सेंटर से नीचे रहेगी, मतलब जो सेंटर का एक्सिस है ये जो गियर का जो सेंटर एक्सिस है और इसका जो सेंटर एक्सिस है या तो इसके अबव होगा या इसके बिलो होगा, ठीक है। और अलाउिंग लार्जर पिनियन डायमीटर लार्जर लाइफ एंड स्मूथ मेस। अगर मान लो इस जो गियर जो पिनियन है इसका डायमीटर अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो इसके कारण क्या होगा कि इसकी जो मेसिंग जो गियर का जो दोनों दोनों गियर का प्रॉपर मिसिंग होगा आपस में वो काफ़ी अच्छा होगा और इनकी जो स्पीड होगी वो भी काफ़ी स्मूथ होगी। तो इसको बोलते हैं आप स्क्रू बेवल गियर, ठीक है, कि ये स्क्रू टाइप का गियर होता है, इसको हम हाइपोइड बेवल गियर भी बोल सकते हैं। वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, अब भाई ये तो क्लियर है, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। तो एक इसका लोअर साइड है उसको हम बोलेंगे वॉर्म ड्राइव। वॉर्म ड्राइव का मतलब क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिक मोटर से ये आपका गियर है ये एक ही मोशन में रन करता है और इसके यहाँ पे ये दूसरा जो गियर है वॉर्म व्हील। तो ये वॉर्म व्हील क्या होता है, ये एक सिंपल गियर होता है, ठीक है। अब ये चूंकि स्क्रू टाइप गियर होता है और ऊपर वाला जो गियर होता है वो सिंपल स्पर गियर होता है। अब जब इसके टीथ और स्पर गियर के टीथ, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो इंक्लाइन होता है और ये क्या हो सकता है इजी गियर हो सकता है मीन्स स्ट्रेट गियर हो सकता है स्पर गियर हो सकता है, तब स्पर गियर और वॉर्म ड्राइवर दोनों के टीथ का मेसिंग होता है। तो इसके दौरान जब इसमें हम मोशन प्रोवाइड करते हैं तो इसके दौरान ये क्या करता है, ड्राइव करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आपका शाफ्ट है, अभी शाफ्ट क्या है करते हैं हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, अब हॉरिजॉन्टली तरीके से ये रोटेट करती है तो ये इसको पूरी तरह से क्या करता है, इसको रोटेट करता है। मतलब इसमें एक चीज की ये है कि अगर इसमें एक ही मोशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं एक ही डायरेक्शन में, इसको राउंडेड वे में डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। लास्ट है रेक एंड पिनियन। तो रेक एंड पिनियन जनरली इस तरह के गियर जनरली हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हम जैसे कि कार ड्राइव करते हैं, तो कार ड्राइव करने के साथ साथ हम स्टेयरिंग का यूज करते हैं, तो स्टेयरिंग में हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यूज करते हैं। तो जब भी हम रोटरी मोशन से लीनियर मोशन में, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना होता है तो उस चीज को बोलते हैं रेक एंड पिनियन। यहाँ पर रेक क्या है, ये एक स्ट्रेट गियर है, इसके टीथ भी क्या होते हैं, स्ट्रेट टीथ है, और पिनियन एक छोटा सा गियर होता है, इसके अटैचमेंट होता है स्टेयरिंग। अब जैसे स्टेयरिंग को आप रोटेट करते हो, मोशन करते हो, मीन्स लेफ्ट या राइट साइड में मोशन करते हो, तो ये क्या करता है कि ये इस पर मोशन करता है, या तो इस डायरेक्शन में आएगा या इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस तरह का जो मोशन होता है इसको बोलते हैं रेक एंड पिनियन। रेक मीन्स स्ट्रेट और पिनियन मीन्स सर्कुलर, ठीक है। तो रेक एंड पिनियन मैकेनिज्म डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ ए बार ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग टीथ ऑन वन साइड दैट मैश विद रेक, जो कि रेक के साथ क्या करता है, मैश करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका स्टीयरिंग मैकेनिज्म ऑफ कार। जो कार में जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म होता है वो इसी बेस पर काम करता है। तो यहाँ पर पिनियन और रेक होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ये जो पिनियन है, अगर मान लो मैं इसको स्टीयरिंग को
लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन करूंगा तो ये क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इसके जो टीथ का लाइन में या मेसिंग होगा इस डायरेक्शन में होगा। अगर राइट साइड में करूंगा तो ये इस जगह से होगा, अगर मैं स्टेन को इस साइड से पकड़ता हूँ, ठीक है। तो ये रेक एंड पिनियन का भी हो गया। तो इस तरह से हमने जो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पैरेलल शाफ्ट, अकॉर्डिंग टू नॉन पैरेलल शाफ्ट विद बट इंटरसेक्टिंग, अकॉर्डिंग टू नाइदर पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग, तो सभी केस में हमने सारे गियर को स्टडी कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गियर का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आप जो पहला क्लासिफिकेशन जो हमने देखा था अगर ये आपका क्लियर हो गया है, दैट मीन्स अगर ये क्लियर है तो इसमें सारे क्लासिफिकेशन इसके अंदर क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। अब ठीक है, जैसे कि ये एक्सटर्नल गियर मेस और इंटरनल गियर मेस, ये तो आपको पता ही है कि एक्सटर्नल का मतलब क्या था, एक गियर के ऊपर दूसरा गियर रिवॉल्व करता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल गियर, और एक गियर के अंदर दूसरा गियर जब रिवॉल्व करता है, राउंड करता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल गियर। और रेक एंड पिनियन तो मैंने आपको बता ही दिया है, और ये भी कंडीशंस बताई थी अकॉर्डिंग टू टीथ पोजीशन, स्ट्रेट गियर टीथ, इंक्लाइंड गियर टीथ और कर्व गियर टीथ, मीन्स उसके जो टीथ का जो शेप होता है या तो स्ट्रेट हो सकता है या इंक्लाइंड हो सकता है या कभी कभी कर्व शेप में हो सकता है। तो इस तरह हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गियर को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है।